फिर गुस्से के साथ बोल पड़ता है, आज तू यहाँ पर नहीं आया है, तेरी मौत तुझे यहाँ पर लेकर आई है। मैंने सोचा था तुझे नहीं मारूंगा, पर तुझे मारना ही होगा। इतना कहकर युग रज्जन का हाथ पकड़ता है और उसे एक हाथ से ही ऊपर हवा में उठाते हुए धड़ाम से नीचे फेंक देता है। जैसे ही रज्जन नीचे गिरता है, वो दर्द भरी कराह के साथ चीख पड़ता है, आह! अगले ही पल युग अपनी जगह पर से खड़ा होता है और रज्जन के सीने पर बैठते हुए उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात करने लग जाता है। युग एक के बाद एक मुक्का रज्जन के चेहरे पर मारते जा रहा था। वो रज्जन को पलटवार करने का मौका तो दूर, वो तो रज्जन को ठीक से सांस तक लेने का मौका नहीं दे रहा था। मुक्के मार मार कर युग ने रज्जन की नाक फोड़ दी थी। रज्जन की नाक से खून बहने लग गया था। रज्जन कस कस कर दर्द भरी आह के साथ कराहने लग गया था, पर युग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस रज्जन को मारते जा रहा था। युग का हाथ रज्जन के खून से लहूलुहान हो गया था। रज्जन ने युग के अंदर के उस भक्षानर को जगा दिया था जो अभी तक शांत था। युग के सिर पर रज्जन को मारने की धुन सवार थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो रज्जन को मारकर ही दम लेगा। रज्जन का चेहरा पूरी तरह खून से भर चुका था। युग रज्जन को मुक्के मारते हुए कहता है, तू जानना चाहता था ना कि मैं कामेश्वरी जी को यहाँ पर क्यों बुला रहा था। रज्जन दर्द से कराहते रहता है, पलटकर कुछ कह नहीं पाता है। वो इस हालत में नहीं था कि युग से कुछ कह सके। रज्जन की आंखों में भी खून समाने लग गया था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी। युग रज्जन के चेहरे पर मुक्का मारते हुए कहता है, मैं कामेश्वरी जी को यामिनी से मिलाना चाहता था। युग एक और मुक्का रज्जन के चेहरे पर मारते हुए कहता है, एक माँ को उसकी बेटी से मिलाना चाहता था मैं कामेश्वरी जी से बात करना चाहता था, पर तूने यहाँ पर आकर सब बर्बाद कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर युग फिर रज्जन के चेहरे पर मुक्कों की बरसात करने लग जाता है। रज्जन को युग की आंखों में वो सच्चाई नजर आ रही थी जो आज से पहले उसे कभी नजर नहीं आई थी। युग की आंखों में बस गुस्सा भरा हुआ नहीं था, बल्कि उस गुस्से के साथ उसकी आंखों में आंसू भी नजर आ रहे थे, और वो आंसू इस चीज के थे कि अब वो कामेश्वरी यक्षिणी से नहीं मिल पाएगा क्योंकि रज्जन ने उसकी साधना को भंग कर दिया था। युग फिर गुस्से के साथ बोल पड़ता है, मौत एक ऐसी चीज है जो कब आ जाए कुछ कह नहीं सकते, पर पहली बार मौत किसी को बता कर आ रही है और मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरी मौत तुझे बुला रही है, रज्जन मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर युग अपना सीधा हाथ ऊपर की तरफ उठा लेता है और पंजा खोल देता है। युग अपने झोले की तरफ देखने लग जाता है जो वो अपने साथ लेकर आया था, जिसमें साधना का सामान रखा हुआ था। देखते ही देखते उस झोले में अपने आप हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग का बैग अपने आप हिल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से कोई चीज बाहर आना चाहती हो। रज्जन ने भी अपनी निगाहें उसी झोले पर टिका दी थी। उसके समझ नहीं आ रहा था उसके अंदर क्या था। रज्जन बस डर के मारे कांपे जा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते झोले के अंदर से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी निकलती है, वही कुल्हाड़ी जो किसी और की नहीं बल्कि भक्षानर की थी, जिससे अब युग शिकार करता है। वो कुल्हाड़ी उड़ते हुए युग की तरफ जाने लगती है। युग उसी वक्त कुल्हाड़ी को थाम लेता है। युग रज्जन की आंखों में देखते हुए गुस्से के साथ कहता है, मैंने कहा था ना रज्जन, मैं तुझे मार दूंगा और मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता हूँ। मैं उसे पूरा करने जा रहा हूँ, तुझे मुक्ति देने जा रहा हूँ। तेरी मौत तेरे पास आ रही है रज्जन, तेरे पास आ रही है। इतना कहकर युग कुल्हाड़ी से रज्जन पर वार करने लग जाता है। कुल्हाड़ी रज्जन की गर्दन तक पहुंचती उससे पहले ही रज्जन अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझसे गलती हो गई युग, मुझे माफ कर दे। मुझे सच में नहीं पता था कि तू क्यों कामेश्वरी को बुला रहा था, मुझसे गलती हो गई। युग गुस्से के साथ ही पलट कर कहता है, गलती की सजा ही तो मौत है रज्जन, आज मैं तुझे तेरे सारे पापों की सजा दे दूंगा। तू यहाँ से यक्षिण लोक वापस जाना चाहता था ना, पर तूने यहाँ पर पृथ्वी लोक पर जो पाप किए हैं उसके लिए तू मरने के बाद सीधा नर्क लोक जाएगा, और तू तो इतना गंदा है कि हो सकता है तुझे वहां पर भी जगह ना मिले। रज्जन डर से कांपते रहता है, कुछ नहीं कहता है। युग फिर बोल पड़ता है, तेरी मौत तेरा और इंतजार नहीं कर सकती रज्जन, वो तुझे बुला रही है, मैं तेरी मौत की आवाज सुन सकता हूँ, जा जा अपनी मौत के पास। इतना कहकर युग फिर कुल्हाड़ी को आगे ले जाने लग जाता है। रज्जन अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है, नहीं युग ऐसा मत करना, माना मुझसे अतीत में कई गलती हुई है, उन गलतियों को तो मैं सुधार नहीं सकता हूँ, पर अभी जो मैंने गलती की है उसे जरूर सुधार सकता हूँ। रज्जन की ये बात सुनकर युग एकदम से रुक जाता है, अपना हाथ बीच में ही रोक लेता है, जिससे कुल्हाड़ी की धार भी रज्जन की गर्दन को छूने से पहले रुक जाती है। रज्जन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए फिर बोल पड़ता है, तू कामेश्वरी यक्षिणी से मिलना चाहता था ना, मैं तुझे कामेश्वरी से मिलवा सकता हूँ। वो मंत्र जिसका जाप तू कर रहा था उससे कामेश्वरी आए या ना आए, पर जो मंत्र मैं तुझे बताऊंगा उससे कामेश्वरी यक्षिणी को यहाँ पर आना ही होगा।
वो मंत्र सुनते ही कामेश्वरी यहाँ पर दौड़ी चली आएगी, फिर चाहे उसके यहाँ पर आने का मन हो या ना हो। युग रजन पर शक करते हुए कहता है, तू फिर से मेरे साथ कोई साजिश रच रहा है ना रजन, अब ये तेरी कौन सी नई चाल है। रजन युग को समझाते हुए कहता है, ये मेरी कोई चाल नहीं है युग, यही सच है। मैं अब खुद तुझे कामेश्वरी यक्षिणी से मिलवाना चाहता हूँ और इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी तेरी बात में थी कि तू यामिनी को उसकी माँ से मिलाना चाहता है। युग रजन को एकटक देखते हुए फिर पूछता है, मैं क्यों यकीन करूँ तुझ पर रजन, जब तू मौत के इतना करीब है? ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मैं एक झटके में तुझे मार सकता हूँ। रजन बड़े ही नम लहजे के साथ कहता है, मौत के करीब हूँ तभी तो सच बोल रहा हूँ युग, तुझे तो पता ही है कि जो इंसान मौत के करीब होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। मैं वादा करता हूँ, मैं तुझे ऐसा मंत्र बताऊंगा कि कामेश्वरी यक्षिणी को यहाँ पर आना ही पड़ेगा। और रही मेरी तुझे धोखा देने की बात, तो ना ही मैं कहीं जा रहा हूँ ना ही तेरी ये कुल्हाड़ी कहीं जा रही है। तू जब चाहे मुझे मार सकता है, और ये एक यक्ष का वादा है तुझसे कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। युग खामोशी के साथ खड़ा रहता है, उसके समझ नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि रजन पर भरोसा करना इतना भी आसान नहीं था। एक पल के लिए तो उसके मन में ख्याल आता है कि वो रजन को उसी वक्त मार दे, क्योंकि अतीत में जो उसने पाप किए थे उसकी वही सजा थी। पर अगर वो रजन को मार देता तो वो कामेश्वरी यक्षिणी के सामने और भी बुरा बन जाता। कामेश्वरी को यही लगता कि युग सच में एक भक्षानर बन चुका है, तभी उसने रजन को मारा है। वो कभी युग पर यकीन ही नहीं करती। युग की आंखों के सामने बार बार यामिनी का चेहरा आ रहा था और अगले ही पल वो कुछ सोच विचार करने के बाद फिर रजन से पूछ पड़ता है, आखिर ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे पढ़ते ही कामेश्वरी जी आ जाएंगी। रजन हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, ये वो मंत्र है युग जो सिर्फ हम यक्षों को पता है, जिसका उपयोग हम यक्षिण लोक में दुष्काल के वक्त यक्षिणियों को बुलाने के लिए करते थे। युग पलट कर कहता है, और वो कौन सा मंत्र है। युग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रजन समझ गया था कि युग उसकी बात मानने के लिए राजी हो गया था, इसलिए अगले ही पल वो अपनी बात मनाने की इच्छा से कहता है, वो मंत्र कौन सा है ये भी मैं तुझे बताऊंगा, बस पहले तू मेरी गर्दन पर से ये कुल्हाड़ी हटा दे। इस कुल्हाड़ी की धार देखकर वो मंत्र मेरे कंठ में ही अटक गया है, मेरी जुबान पर ही नहीं आ रहा है। युग जानता था कि रजन बहुत चालाक था, पर उसे कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर से हटानी ही होगी, तभी रजन उसे कुछ बताएगा। इसलिए युग रजन को गुस्से से घूरते हुए ही धीरे धीरे उसकी गर्दन पर से कुल्हाड़ी को दूर ले जाता है और नीचे जमीन पर फेंक देता है। कुल्हाड़ी को नीचे गिरता हुआ देखकर रजन की जान में जान आने लग जाती है और वो लंबी लंबी आहें भरने लग जाता है। अगले ही पल युग फिर रजन से पूछ पड़ता है, अब बता क्या है वो मंत्र। अपना वादा निभाते हुए रजन युग को उस मंत्र के बारे में बता देता है, वो वादे से नहीं मुकरता है। रजन अपनी बात खत्म करते हुए युग से कहता है, पर याद रखना युग, कामेश्वरी तभी यहाँ पर आएगी जब तुम उसे सच्चे मन से बुलाओगे। अगर तुम्हारे मन में जरा सी भी खोट हुई तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। ये बात कहते ही युग फिर गुस्से के साथ रजन को घूरने लग जाता है, क्योंकि रजन ने ये बात पहले नहीं बताई थी। पहले उसने कुछ और कहा था और अब वो खुद अपनी बात से पलट गया था। सब कुछ जानते हुए भी युग रजन से कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसके मन में जरा सा भी खोट नहीं था। अगले ही पल युग जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाता है। वो अपने मन को शांत करने लग जाता है, जैसे वो अपने आप को पूरी तरह तैयार कर रहा हो उस मंत्र का जाप करने के लिए। रजन के सामने ही कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। वो चाहता तो बड़ी आसानी के साथ उसे उठाकर युग का काम तमाम कर सकता था, पर वो बिल्कुल भी वैसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि युग के मन में खोट था या नहीं। युग अपने दोनों हाथ जोड़ता है और आंखें बंद करके मंत्र का जाप करते हुए कहता है, ओम क्लेम जनरंजनी महानादे शोभय लुएम कालर्णिके तट महेंद्रे हो ही यक्षी यक्षी महायक्षिणी निवासिनी शीघ्रम में स्वरम सौख्यम यक्षिणी कुरु कुरु स्वाहा। जैसे युग ये मंत्र पढ़कर खत्म करता है और अपनी आंखें खोलता है, तो वो देखता है कि उसके सामने रजन ही बैठा हुआ था जो दर्द से कराह रहा था। युग गुस्से के साथ रजन से कुछ कहने ही वाला था कि उसी वक्त उसके सामने एक तेज सफेद रोशनी चमकने लग जाती है। वो सफेद रोशनी सामने बने गोल चक्र से आ रही थी और उसी के अंदर से कामेश्वरी यक्षिणी निकल रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी युग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। घाट पर कदम रखते ही वो चक्र भी गायब हो जाता है। रजन ने युग को जो मंत्र बताया था, उस मंत्र में ही इतनी ताकत थी कि वो मंत्र अपने साथ खुद एक स्थानांतरण द्वार बनाता था। यही कारण था कि सफेद चक्र के जरिए कामेश्वरी यक्षिणी मंदिर से सीधे घाट पर आ गई थी। कामेश्वरी यक्षिणी जब घाट पर मछुआरे के शव और रजन के चोटिल बदन को देखती है, तो वो समझ जाती है कि उन दोनों का ये हाल किसने किया था। कामेश्वरी यक्षिणी युग पर भड़कते हुए कहती है, ये तूने क्या किया युग। युग कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी कहती है,
अब मैं समझी कि तुझे महायक्षिणी प्रकटम मंत्र के बारे में कैसे पता चला, वो मंत्र जो सिर्फ यक्षों को पता रहता है। तूने ही मार मार कर रज्जन के मुंह से वो मंत्र उगलवाया होगा। तू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तूने मुझे यहाँ इस तरह बुलाकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया योग, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र पढ़ने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी के मंत्र पूरा पढ़ने के पहले ही रज्जन हड़बड़ाहट के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है, नहीं यक्षिणी रुक जाओ, ये युग तुमसे कुछ बात करना चाहता है। पहले सुन तो लो वो क्या कहना चाहता है, उसके बाद क्या करना है वो तुम अच्छे से जानती हो, मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रज्जन के मुंह से ये बात सुनकर कामेश्वरी यक्षिणी को काफी हैरानी होती है, क्योंकि रज्जन ही था जो कामेश्वरी यक्षिणी से हमेशा युग को मारने की बात करता था, और आज वही रज्जन युग को कामेश्वरी यक्षिणी के क्रोध से बचा रहा था। इसी वजह से कामेश्वरी यक्षिणी अपने गुस्से पर काबू करते हुए शांत हो जाती है, युग को कुछ नहीं करती है। कामेश्वरी यक्षिणी युग से कहती है, बोल युग, तू क्या कहना चाहता है मुझसे, जल्दी बोल ताकि तेरी बात सुनने के बाद मैं तुझे मार सकूं। युग बड़ी ही विनम्रता के साथ कहता है, मेरा सिर तो हमेशा आपके सामने झुका हुआ है कामेश्वरी जी, जिसे आप जब चाहे काट सकती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, ये प्यार भरी बातें तू किसी और के सामने करना, मेरे नहीं। युग सीधे सीधे बोल, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पर। युग पलट कर कहता है, मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। कामेश्वरी यक्षिणी पूछती है, क्या जानना चाहता है तू। युग कुछ तीखे स्वर में कहता है, यही कि तुम कौन हो। युग का लहजा अचानक से बदल गया था, वो कामेश्वरी यक्षिणी को घूरने लग गया था। रज्जन भी युग के मुंह से ये सवाल सुनकर हैरान रह गया था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युग के मन में चल क्या रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो वो कामेश्वरी यक्षिणी से कुछ और बात करने की कह रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, ये तू क्या बोल रहा है युग, तू मुझसे पूछ रहा है कौन हूं मैं। युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि तुम कामेश्वरी यक्षिणी तो बिल्कुल भी नहीं हो। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।